छोड़ दूंगी। गुड़गांव में एक्सपोर्ट कंपनी में किसी ठेकेदार ने गार्ड के गाल पे मारा था मेरे सामने। बस उस दिन मैंने कसम खाई थी मैं गार्ड में नौकरी नहीं करूंगा। आपको गुस्सा नहीं आया कभी? गुस्सा आता है लेकिन क्या कर सकते। Hi guys, I'm Ashmita and I'm a brood journalist based in Delhi NCR, which is currently, that is on 6th January 2023, experiencing a biting cold wave. The temperatures have dropped below 3 degrees in some parts of the city, which is January's minimum in 2 years. Now, I have a cozy home, I have blankets, I have floofs, I have a room heater to keep me warm. But not everyone is as lucky as I am. And something happened recently that is making me do this video today. I was coming back a little late from work and I saw some security guards below my society, you know, lighting up a fire and going about their duty. It clashed with the images and the visuals I had seen in the past year of so many security guards being beaten up and treated badly by so many residents in some of the societies. So for one night in January, I wanted to leave my cozy home and actually go hang out with these security guards who stay awake all night so that we can sleep cozy. आज का जो ड्यूटी है आप लोगों का मैं आज बता रहा हूँ। आप टावर पे जाओगे, हैंडओवर लोगे, हैंडओवर में क्या क्या पूरे दिन में क्या क्या घटना घटी है वो देखोगे, अपने इंजीनियर से प्रॉपर तरीके से हैंडओवर और टेक ओवर करोगे जी। गेट नंबर सिक्स मनोज नमस्ते सर। कोई दिक्कत आपको? कोई परेशानी? ठंड तो नहीं लग रही? क्यों नहीं लग रही ठंड? अच्छा हीटर लगा हुआ है इसलिए ठंड नहीं लग रही। खाना पीना हो गया? हीटर कब लगाया सर? हाँ हीटर कल लगाया। मनोज यादव इज इन हिज लेट 20s एंड हैड कम टू द सिटी फ्रॉम यूपीज फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट। After facing multiple rejections in companies, he became a security guard 2 months ago. But if given a choice, Manoj says he wouldn't have ever chosen this profession. Guard का जो काम होता है, ये काम में मजा आता है? गुड़गांव में एक्सपोर्ट कंपनी में किसी ठेकेदार ने गार्ड के गाल पे मारा था मेरे सामने। बस उस दिन मैंने कसम खाई थी मैं गार्ड में नौकरी नहीं करूंगा। कपड़े के 2 फीस गिर गए थे उससे, हाथ से वो रख रहा था उसके हाथ से 2 फीस छूट गए थे। इस चक्कर उसने गार्ड पर जब से मेरे मन में उससे हुआ क्या था, सिर्फ 2 फीस ही गिर गए उसने उठा के रख दिया था कुछ करो तो उस मान लो। तब आप भी उनके गार्ड का काम? नहीं, मैं उस टाइम कंपनी की तरफ से एल्बरी में काम कर रहा था। आपके साथ कभी हुआ है ऐसा? मेरे साथ मैम हुआ था दो बार हुआ था। क्या हुआ था ऐसे? मैंने एक सर को बोल दिया था सर आपने एंट्री नहीं कराई, आप अपनी एंट्री कराई, तो मुझे जानता है सर? मैंने आपको नहीं जानता, अगर मैं आपको जानता तो आपसे बोलता क्यों कि सर अपनी एंट्री कराइए? मैं सर आपको नहीं जानता मैं, अगर पहला दिन है तो आप बता दीजिए सर आप कौन है, मैं यहाँ का फलाना ढिकाना ये बात जब भी भगा दूँ। मैं सर भगाने का मैं गार्ड हूँ भगा सकते कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन आप अपना पता बता दीजिए कहाँ। तो फिर उन्होंने क्या किया? बस चल काम करो। आपको गुस्सा नहीं आया कभी?
गुस्सा आता है लेकिन क्या कर सकते हैं। टेम्परेचर हो रहा है भैया अभी 6 डिग्री सेल्सियस। कल रात को तो 2-3 तक हो गया था शायद, रात 5 हो रहा था। आज फ्राइडे है इसलिए ज्यादा भी नहीं क्या अभी इस टाइम पे? हाँ चलता रहता है, ये 4 बजे तक खाने में, 5 बजे तक खाना खाने में। 5 बजे से नहीं आता फिर? 5 बजे तक खाना खाते हैं। 5 बजे तक खाना खाते हैं। आपका आपकी उम्र क्या होगी सर? मेरी 22 प्लस। और कुछ काम क्यों नहीं लिया अभी? यार वो तो तैयारी करता हूँ। इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो? अच्छा, तो सिक्योरिटी गार्ड की कोई ट्रेनिंग वगैरह मिलती है आपको? आप नौकरी कितने बजे तक चलती है आपकी? 8 बजे तक। 8 बजे से 8 बजे तक। और फिर घर जाकर खाना? 9 बजे रूम पे पहुंच पाएंगे। हाँ, और फिर वहाँ खाना पीना 2 घंटे बाद, मतलब पढ़ लो 11 बजे के बाद सो जाओ, शाम को 5 बजे बच्चे को फिर खाना, फिर दोबारा खाना पीना, फिर दोबारा। क्योंकि After working for 12 hours daily without any paid leaves, Raghavendra is able to take home a salary of about 13,000 rupees per month. But for many like him, the job of a security guard is an entry point into various special forces. Border पे सही दे जाओगे, तो भी घर ही आने मत पे, तो बाकायदा आओगे सम्मान के साथ, पुलिस में मर जाएगा कोई, पुलिस वालों मरेगा बस, और कुछ नहीं। आर्मी वाले की वैल्यू है। पैसे वाले आदमी है, छान फूंक के आते हैं, अब जैसे यही है, अब गेट नहीं, हम पूछेंगे टावर फ्लैट, आपका मूड बना है, आप नहीं बताओगे, हम गेट नहीं खोलेंगे, उसी में बकवास होगी, हम तुम्हें फिर खोलना ही पड़ेगा। आप यहाँ परिवार के साथ रहते हो? जी नहीं मैडम, परिवार कहाँ चला पाएंगे। और कितने दिन नहीं मिले परिवार से आप? 5-6 महीने हो गए, अगले महीने जाने की तैयारी है। अच्छा, छुट्टी मिल गया? छुट्टी कहाँ मिलती है, ये तो अपना पेमेंट आए निकल लो, कहाँ छुट्टी मिल गई तो मिल गई, नहीं तो सारा दूसरी जगह, कोई ये फिक्स थोड़ी नहीं दोबारा यहाँ ही काम करने। लगते हैं गेट पर, 2 राउंड पे गए अभी। 2 राउंड पे गए? अच्छा। और एक सुपरवाइजर रहते हैं। अब ठंडा मौसम है, कितना सुख शांति पड़ी जा रहा हूँ, शांति के रूप में सब लोग बड़े ठंड में घुसे पड़े। हाँ, कोई बात नहीं, बाहर नहीं निकल रहा है, ठंड ज्यादा है ना। बहुत ज्यादा ठंड है। तो आप लोग रात में ऐसे घूमते हो तो आप लोगों को ठंड लगती है, तो क्या करते हो? अब मैम जो टहलते ना, टहलने से ठंड नहीं लगती है, जब तुम तेज चलोगे, थोड़ा चलोगे टहलोगे तो कहाँ से ठंड लग जाएगी मैम? हम आपकी सुरक्षा में ना, हम किस लिए, आपको सुनाने के लिए है ना, आपको कोई दिक्कत ना हो, आराम सोवे, इसलिए हम, और किस लिए ड्यूटी है वाली बात की नहीं, हमें पूरी फैसिलिटी मिल रही है। चलो बढ़िया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर दिनेश सिंह। दिनेश सिंह, कितने सालों से काम कर रहे हैं? मुझे हो गया 8 वर्ष। मुझे इस काम के बारे में पूरा मालूम है, टावर की क्या कैसे क्या वो है। अच्छा। हाँ, सिक्योरिटी का पूरा मुझे फार्मूला मालूम है। क्या फार्मूला था बताइए? सिक्योरिटी का सबसे बड़ा फार्मूला, रोको टोको जाने दो। इसका मतलब समझाइए थोड़ा सा। सबसे पहले रोकिए, फिर उनको पूछिए कि आपको कहाँ जाना है, किस फ्लैट में जाना है, कंफर्म करके तब उनको भेजना है। तो रात भर सर काम करते हो, मतलब समय कैसे बिताते हो अपना? समय तो मैम ऐसे ही बताते रहते हैं, बोल बतराते रहते हैं, आप सही नहीं बैठ जाते हैं अपने, अब मान लो मूवमेंट हमारा 12 बजे तक मूवमेंट रहेगा, तो अपने दो एक आदमी ऐसे बैठे गए तो ऐसे ही घूमते रहते हैं अपने, कोई दिक्कत नहीं आती। आदत हो गई आपको? जी जी।
पहले हमें भी दुख लगता था, अरे जब हम गांव से आए थे तो जब देखा गाड़ी लग रही हाथ में तो देख रहे 12 घंटा कैसे भी थी, हर आधे घंटे पीछे टाइम देखते रहे थे। अब ऐसी आदत पड़ गई हमको, बड़ा अच्छा लगता, 12 घंटे भी पता नहीं पड़ती कब कट जाते। इंडिया हैज ओवर 9 million सिक्योरिटी गार्ड्स ड्रिवन बाय द राइज इन गेटेड सोसाइटीज। Most of them migrating from rural areas are employed by unlicensed private security agencies and hence are often left out of any protection under the Private Security Regulation Act. They are the first responders in case of any emergency in residential and commercial complexes. Yet, they often face the brunt of unfair working conditions, harsh weather, and also unprovoked rage. In Delhi NCR alone, several incidents of assault on security guards came to light in 2022. आपको लगता है कभी कभी सिक्योरिटी गार्ड की भी गलती होती है? हाँ, गलती हो जाती है, तो वही दोनों तरफ से होता है। जब अगर गलती भी हो जाती है कोई, तो बस गलती अपना मान लो, मैम सॉरी, सर सॉरी, अब नहीं होगा बात खत्म हो गई। एक प्रेम की भाषा, प्यार की भाषा अलग होती है। सामने वाला अगर उल्टा बोलता है, थोड़ा गरमाई लाता है, उससे हाथ जोड़ के नमस्ते कर लो ना, तो ऐसी बात नहीं को थोड़ी देर बाद, घंटा दो घंटा बाद देखो अपना दिमाग ठंडा हो जाएगा ना, अपना सोचेगा कि हाँ मैंने सिक्योरिटी गार्ड से यार मैं थोड़ा गर्म बोल गया, गलती कर जा रहा हूँ मैं, वो सुबह आ जाएगा अरे गार्ड साहब गलती हो गई थी अपना, कोई दिक्कत नहीं, तो कितने बड़ी बात है, ठीक है टाइम पास हो गया। आपकी शादी हुई है या नहीं? The temperatures were dipping. I went back to my room after a few hours, but couldn't stop thinking about the guards who would be up all night in that cold without sleep, guarding me and the hundreds of my neighbors who probably wouldn't even spare a glance at them next morning.